डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। क्लास 9 की केमिस्ट्री में अब तक हम लोग एक चैप्टर पूरी तरह पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू किए थे। फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस था कि शायद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्लासेस रेगुलर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हमें फिर से वापस आना पड़ा यूट्यूब पर। तो जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो था सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। हालांकि कंसंट्रेशन हम पढ़ ही चुके थे, लेकिन फिर भी आज मैं चाहूँगा कि कंसंट्रेशन को रिवाइज़ करते हुए और भी टॉपिक्स को देखेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन को डिस्कस करने के बाद हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखें। तो शुरू करते हैं कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। आपको भी याद होगा व्हाट इज़ कंसंट्रेशन। जब एक सॉल्यूशन बनता है, व्हेन यू हैव अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपके पास एक सॉल्वेंट होता है, इस सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डालते हैं, यही पूरा खेल है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो पूरा का पूरा क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। अरे बस समझ में। अगर हम इस सॉल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करें, यही अमाउंट क्या बताएगा, कंसंट्रेशन बताएगा। तो किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अमाउंट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वही है कंसंट्रेशन। वेरी सिंपल। यानी कि कंसंट्रेशन क्या बताता है, सॉल्यूट के अमाउंट को बताता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। कंडीशन आपको दिए हुए रहेंगे, टेम्परेचर का कंडीशन होगा, प्रेशर का कंडीशन होगा, ये दो कंडीशन आपको दिए हुए रहेंगे। तो हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को डिफाइन कर देंगे पहले कि क्या टेम्परेचर है और क्या प्रेशर है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, यही बताने के लिए हमारे पास क्या आता है, कंसंट्रेशन आता है। वेरी वेरी सिंपल। नाउ यू कैन डिफाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ लोग इसको सॉल्वेंट बोलते हैं या फिर आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्यों, जब हम लोग वॉल्यूम के टर्म में बात करते हैं तो वॉल्यूम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं होता, होता ही नहीं है फर्क। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मास, तब सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन के मास में फ़र्क होता है। अरे बात समझ में। तो जब वॉल्यूम लेंगे तो उस समय सॉल्यूशन ले या सॉल्वेंट ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप सॉल्वेंट भी लिख दे सॉल्यूशन भी लिख दे। तो क्या मैंने कहा, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। क्या डिफाइन करना है हमको, टेम्परेचर और प्रेशर। तो हम लोग बोलेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताएगा। वट एवर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन, यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। बात समझ में आ गई, क्लियर। और इसमें क्या फिक्स होना पड़ेगा, प्रेशर फिक्स होना पड़ेगा और टेम्परेचर को फिक्स होना पड़ेगा। वेरी क्लियर। अब कंसंट्रेशन को निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं, वट आर द मोड्स ऑफ द कंसंट्रेशन, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देयर आर सो मैनी मैथड, देयर आर सो मैनी वेज, देयर आर सो मैनी मोड्स टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें जो सबसे सिंपल मोड है वो है परसेंटेज, और वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे मोड्स हैं जो आप समझ नहीं सकते हैं। समझ में आ रही बात, कंसंट्रेशन को आप, कंसंट्रेशन के बहुत सारे मोड्स हैं जो आप समझ नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्यों पढ़ने पड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप पहले मोड्स लिख लें। मोड्स, मोड्स का मतलब तरीका ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को पता करने के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। सबसे पहला मोड हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है,
और ये परसेंटेज आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज परसेंटेज, आउट ऑफ 100 को आप परसेंटेज कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। अब नाम एक आ गया मोल, इसीलिए ये हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। चौथा हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। ठीक है, दीज आर द वेज बाय विच यू कैन फाइंड, यू कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इन सब को पढ़ने के लिए, इन सब को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, एंड दैट वेरी कॉन्सेप्ट इज मोल कॉन्सेप्ट, जो आप अभी तक समझे नहीं हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट जब हम सीख जाएंगे, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी एंड नॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर क्लास आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द परसेंटेज, कि परसेंटेज किसी सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे परसेंटेज के टर्म्स में, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने के कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द परसेंटेज। ठीक है, चलिए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का सिंपल मीनिंग क्या है? आउट ऑफ 100, एक तरह का ये फ्रैक्शन ही है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर हमेशा कितना होता है, मतलब आप 100 में बात करते हैं, जितना भी आपके पास हो, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर देंगे 100 में, 100 में कितना है। और इसके बारे में मैथमेटिकल बात है, क्यों मैं बताऊं? परसेंटेज निकालने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका होगा, अगर आपके पास सॉल्वेंट का भी मास दिया हुआ, सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ, इफ़ यू आर गिवन द मास ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है, आपको सॉल्वेंट का भी मास दिया गया है। अब मास जानते हैं कि किलोग्राम में होता है या फिर ग्राम में होता है, ठीक है, या तो ग्राम में होगा या फिर किलोग्राम में होगा। और सॉल्यूट का भी आपको मास दिया गया है, अगर दोनों का मास दिया हुआ रहे, ऐसे कंडीशन में आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं, इसको आप बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। कुछ लोग इसको लिखते हैं वेट बाई वेट, लेकिन क्योंकि मास ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको सिंबलाइज किया जाता है W बाई W परसेंटेज। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? आप लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही करते हैं आप हमेशा, टोटल मास का जब आप परसेंटेज निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमेशा किसका, सॉल्यूट का ही आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ, अब यहाँ सॉल्यूट होगा कि सॉल्वेंट होगा, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मास की, इसीलिए आपको सॉल्वेंट नहीं लेना है, आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेना है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या देता है आपको, सॉल्यूशन देता है। तो आप क्या बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो दिस इज योर W बाई W परसेंटेज, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ रहे, लेकिन सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ रहे। आ रही बात समझ में? सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ रहे, ऐसे कंडीशन में अगर आप परसेंटेज निकालेंगे आसान तरीके से, जनरली यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, ऐसे परसेंटेज को आप बोलेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसको आप सिंबलाइज करते हैं W बाई V परसेंटेज, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्यों मैंने सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिखा? क्योंकि सॉल्वेंट का वॉल्यूम और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में फर्क नहीं होता है,
अगर आपके पास एक गिलास पानी है उसमें आपने दो चम्मच चीनी डाला तो एक गिलास पानी ही रहेगा, ये बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग सॉल्वेंट का वॉल्यूम लें या फिर सॉल्यूट का वॉल्यूम लें डजंट मैटर। आप लिख सकते हैं सॉल्वेंट भी सॉल्यूशन भी मल्टीप्लाइड बाई 100। या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है, थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपके पास सॉल्यूट का भी वॉल्यूम गिवन है और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। दोनों का अगर वॉल्यूम गिवन है तो इस कंडीशन में आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इस परसेंटेज को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ सॉल्वेंट लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन लिखेंगे कि दोनों का वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, एक लीटर प्लस समथिंग सम लीटर, तो लीटर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना ज़रूरी है सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो दीज आर द वेज ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान होंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनसीईआरटी बुक आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी, आप पहले इसको कॉपी कर लें प्लीज़। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, अगर कॉपी नहीं किए हैं तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप बाद में पॉज कर सकते हैं फिर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या सिर्फ एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को मैं बना लेता हूँ फिर देखते हैं बाद में, मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, इस सोल्यूशन में आपके पास शुगर है और वाटर है, ठीक है। शुगर का जो मास है वो दिया गया है 20 ग्राम, ठीक है, और वाटर का जो मास है वो दिया गया है 180 ग्राम, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आप कंसंट्रेशन निकालिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के टर्म में आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे आप, तो आप निकालेंगे परसेंटेज, क्योंकि दोनों का आपको क्या दिया गया, मास दिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे, मास बाई मास, यानी कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का मास पता करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा भाई साहब, 180 + 20 = 200 ग्राम, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे सिंपल कुछ होने वाला नहीं है, you have 20 gram solute in 200 gram of solution into 100 एक गए, समझ में आई बात। तो 10% क्या बाई मास, बाई मास w बाई W, ये हो गया आपका कंसंट्रेशन, इज दैट क्लियर। आप जब दवा वगैरह खरीदते होंगे उसमें इस तरह के टर्म्स देख सकते हैं, W बाई W परसेंटेज, W बाई V परसेंटेज। अभी बाकी एग्जांपल हम लोग नहीं देखेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर टर्म दैट इज सॉल्युबिलिटी, यू हैव एब्सोल्युटली हर्ड ऑफ दिस टर्म की सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। कॉपी हो गई, चलिए मैं 5 सेकंड के लिए समय देता हूँ, आप कॉपी करें।
ओके डन। चलिए लेट्स टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी, ये कौन सी बला है? ठीक है, जिस तरह से कंसंट्रेशन होता है उसी तरह से सॉल्युबिलिटी भी होती है, बट देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस दैट शुड बी नोन। क्या ये डिफरेंस है, यही हम लोग इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ, जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्लास सिक्स की किताब को अगर आप पढ़े होंगे उसमें अच्छी तरह से सॉल्युबिलिटी को समझाया। उन्होंने कहा कि एक ग्लास पानी लें आप, उसमें आप एक चम्मच चीनी डालें, फिर दूसरा चम्मच चीनी डालें, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून, आप डिज़ोल्व करते जाएंगे। जैसे जैसे आप डिज़ोल्व करना शुरू करेंगे, पहला जो चम्मच होगा दैट विल डिज़ोल्व रैपिडली, अगला चम्मच डालेंगे, अब अगले चम्मच चीनी, अब डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी घटेगी। ऐसे करते 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 एक ऐसा कंडीशन आएगा जब सॉल्यूशन और शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। यानी कि किसी सॉल्यूशन में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सॉलिड का लिक्विड में। ठीक है, बाकी केसेस हम लोग नहीं जानते हैं सॉल्यूशन का, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं इन पर्टिकुलर सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज़ अ बिग बिग टॉपिक, ये क्लास 12 में बहुत डिटेल होगा, हो सकता है मैं आपको लेक्चर दूँ उस पर डिटेल जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग बस इतना दिमाग में रखेंगे सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, अब क्या पता चल रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ कि हर सॉल्यूशन की, हर सॉल्वेंट की एक गिवन अमाउंट ऑफ, आपके पास सॉल्वेंट है, एक ग्लास पानी है, तो उस एक ग्लास पानी में आप जितना चाहें उतना डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसका एक लिमिटेशन है डिजॉल्व होने की, उसी लिमिटेशन का, उसी कैपेसिटी का नाम है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इज एक्चुअली डिजॉल्विंग कैपेसिटी है, डिजॉल्विंग कैपेसिटी, दिस इज द डिजॉल्विंग कैपेसिटी। कौन सी डिजॉल्विंग कैपेसिटी? मैक्सिमम डिजॉल्विंग कैपेसिटी। ठीक है, कि मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है इसी को आप सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो इसको हम लोग फॉर्मल तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितना डिजॉल्व हो सकता है, हाउ कैन यू डिफाइन दिस टर्म। तो हम बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, तो आप क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी, ध्यान रहे लैंग्वेज पर ध्यान दें, दैट कैन बी डिजॉल्व है नहीं, डिजॉल्व हो सकता है, इसीलिए कैपेसिटी है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ऐसा नहीं कि आप एक ग्लास में भी उतना ही डिजॉल्व हो सकता है, 3 ग्लास में भी उतना ही डिजॉल्व हो सकता है, नहीं, एक ग्लास में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी कुछ और होगी, 3 ग्लास में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी कुछ और होगी, इसीलिए हमारे पास जो सॉल्वेंट का अमाउंट है दैट शुड बी फिक्स, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, लिख लें आप इसको, इसको आप क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब सॉल्युबिलिटी के टर्म में अगर आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू आर डिजॉल्विंग 1 स्पून ऑफ शुगर और वॉट एवर द सॉल्यूट, एक चम्मच डिजॉल्व करने के बाद क्या उस सॉल्यूशन में और भी डिजॉल्व हो सकता है? ऑफ कोर्स डिजॉल्व हो सकता है। तो जब तक किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने की कैपेसिटी बाकी रहती है उस सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक नाम है, आ रही बात समझ में? और जब मैक्सिमम डिजॉल्व हो जाता है उस सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक नाम है,
और जितना डिसॉल्व हो सकता है एक नॉर्मल कंडीशन में, उससे ज़्यादा अगर आप डिसॉल्व कर दें कंडीशंस को बदल के, उस सॉल्यूशन का एक अलग नाम है। तो उन सारे सॉल्यूशंस का हम लोग नाम देखेंगे, उससे पहले सॉल्युबिलिटी को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। ये जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, इस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को डिफाइन किया गया है कि कितना हम लोग सॉल्वेंट लेंगे। तो जनरली किताबों में इस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को 100 ग्राम सॉल्वेंट माना गया है, 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्युबिलिटी को भी परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर आप सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे तो आप बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखेंगे, सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आई बात? तो क्या लिखना पड़ेगा, आपके पास एक सॉल्वेंट का अमाउंट होगा लेकिन आप कितना में कैलकुलेट करेंगे, 100 में कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये अमाउंट वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ हम लोग अमाउंट किसके टर्म में ले रहे हैं, मास के टर्म में ले रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन, दोनों ले सकते हैं आप, जैसे कैलकुलेट करें आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। जनरली सॉल्वेंट लिया जाता है, सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं कन्फ्यूजन नहीं रखना चाह रहा हूँ। सॉल्वेंट भी किसी किसी किताब में होता है, किसी किसी किताब में सॉल्यूशन भी होता है, इनटू 100, अब 100 लिख दिया मतलब 100 ग्राम में। तो आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द आई ई आप क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरी सिंपल। तो आई होप सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आ गई। इन जनरल सॉल्युबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर ले लें और उसको 100 ग्राम मान लें, जनरली ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। जनरली 100 ग्राम ही लिया जाता है किताबों में और लेबोरेटरी में, आप इसको लिख लें। आई होप क्लियर हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो आप लिखें टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, जब तक सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है तब तक उस सॉल्यूशन का एक नाम है, ठीक है, वो एक कैटेगरी हो गई। मैक्सिमम आपने डिसॉल्व कर दिया, वो एक दूसरी कैटेगरी हो गई। फिर आपने कंडीशन को बदल के, नॉर्मल कंडीशंस को बदल के एक सॉल्यूशन बनाया, वो एक सॉल्यूशन हो गया। तो जो नॉर्मल कंडीशन में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखता है उसको आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड, आप सबको पता होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं डिफाइन करता हूँ वन बाय वन, अगर मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया तो आप बोलेंगे उसको सैचुरेटेड,
अब सेचुरेटेड बनाने के बाद भी आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया फॉर एग्जांपल, और फिर सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो बन गया आपका सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। नाउ लेट्स डिफाइन वन बाय वन। मैं इसको लिख देता हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं। इफ अ सॉल्यूशन हैव टेंडेंसी टू डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये जोड़ना बहुत जरूरी है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, उसको आप बोलेंगे अनसैचुरेटेड, जब तक डिजॉल्व होने की टेंडेंसी है। अब सुपर सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, इफ अ सॉल्यूशन हैव no more tendency to dissolve any amount of solvent, मतलब मैक्सिमम डिसॉल्व है, इफ अ सॉल्यूशन हैव ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑलरेडी मैक्सिमम सॉल्यूट होता है इसमें, क्लियर। तो हम क्या लिख रहे हैं, इफ अ सॉल्यूशन हैव नो मोर टेंडेंसी टू डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मैं मिस कर रहा हूं बहुत, ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये जोड़ना जरूरी है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जब मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया मतलब आप कहाँ पहुँच गए, सॉल्युबिलिटी में पहुँच गए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्युबिलिटी। आपको ये बात समझने में वक्त लग सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, यू थिंक विद योर ओन माइंड। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इन टू द सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि अगर इन जनरल सॉलिड्स को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को डिजोल्यूशन बोलते हैं। इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन इंक्रीजेज, लेकिन सेचुरेटेड सोल्यूशन बनने के बाद सोल्यूशन हैव नो मोर टेंडेंसी टू डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बट दिस टेंडेंसी कैन बी इंक्रीज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर। जनरली ऐसा होता है, जनरली क्या होता है, जनरली सॉलिड्स को जब लिक्विड्स में डालते हैं, है ना, ये आपके पास कंडीशन अगर है, तो टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये हमेशा नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है, ये आप जहन में रखेंगे, ठीक है। उसी बात को जहन में रखते हुए अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप बोलेंगे इफ़ अ सॉल्यूशन कंटेन मोर सॉल्यूट, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट कंडीशन अदर देन नॉर्मल, एट कंडीशन अदर देन नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, टेम्परेचर नॉर्मल में डिजॉल्व कर रहे हैं आप, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, उसको आप क्या बोलेंगे, सुपर सैचुएटेड सोल्यूशन बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, इफ अ सोल्यूशन कंटेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट at conditions other than normal के अलावे conditions में अगर उसके पास extra amount में dissolve है, इस extra amount को dissolve करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तो आप generally temperature को बढ़ाते हैं,
ये बात समझ में आ गई, ये हो गया। अगर आप सॉलिड्स को लिक्विड में डिजोल्व करें, अगर गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, आपको प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। वेरी सिंपल, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा डिजोल्व होगा, जितना घटाएंगे उतना कम डिजोल्व होगा। अरे बात समझ में, हर एक प्रेशर में सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलता है गैस का लिक्विड में, और वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, क्योंकि अभी हमारे पास मोल से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। जब तक मोल नहीं पढ़ेंगे बहुत चीज़ें छूट जाती है, इसलिए छोड़ के ही चलते हैं। और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस कंटेनर में आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं वो भी तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जो ही वो थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ये फिर से क्रिस्टल बन जाएगा, और आपका वापस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये मेथड आपको इस्तेमाल होता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ये सेपरेशन प्रोसेस में भी बाद में आपको काम आएगा। तो फॉर टुडे, फॉर दिस लेक्चर, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई। हमने क्या क्या बात कर ली? हमने बात कर ली कंसंट्रेशन एंड द मोड्स ऑफ द कंसंट्रेशन, एंड हमने बात की सॉल्युबिलिटी, और फिर हमने बात की कि सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आप सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स कर सकते हैं और ये क्या क्या होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू वेरी मच।